दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत को सोने की स्याही से लिखवा के आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत का तारा अपनी मेहनत और लगन से चमकाते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक सितारा जो दूसरों के लिए एक मिसाल है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेलीविजन की ब्यूटीफुल एंड बोल्ड एक्ट्रेस निया शर्मा के बारे में। दोस्तों निया शर्मा ने झलक दिखला जा सीजन 10 में पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको झलक दिखला जा सीजन 10 की फेवरेट कंटेस्टेंट निया शर्मा का लाइफ स्टाइल दिखाने वाले हैं और उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आप जानकर यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप निया शर्मा का लाइफ स्टाइल देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप निया शर्मा के फैन है तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। निया का रियल नेम नेहा शर्मा है और निकनेम निया है। प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं। निया का जन्म 7 सितंबर 1990 को रोहिणी न्यू दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ और 2022 के हिसाब से 32 इयर्स की हो चुकी हैं। निया ने अपने स्कूल की पढ़ाई एसटी जेवियर स्कूल दिल्ली से की है। बात करें इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इन्होंने जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया हुआ है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। निया जब छोटी थी तब उनके फादर की डेथ हो गई थी। निया की मदर का नाम उषा शर्मा है। निया का एक भाई भी है जिसका नाम विनय शर्मा है। बात करें इनके बॉयफ्रेंड की तो अभी करंटली इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं और ये अभी सिंगल हैं और किसी को भी डेट नहीं कर रही। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं निया शर्मा के करियर के बारे में। निया शर्मा ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में दिल्ली के एक लोकल न्यूज चैनल में एज ए जर्नलिस्ट काम किया, पर निया को किसी और ही रास्ते का बुलावा आ रहा था और इसके चलते निया मुंबई चली गई और मॉडलिंग में अपना लक आजमाया। और मॉडलिंग के दौरान ही निया को बिना किसी ऑडिशन के 2010 में टेलीविजन सीरियल काली में काम मिल गया और फिर निया ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसके बाद निया को सीरियल पे सीरियल मिलते चले गए जिनमें से कुछ पॉपुलर सीरियल्स के नाम हैं एक हजारों में मेरी बहना है और जमाई राजा, जिसमें लोगों ने निया शर्मा की एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया और निया शर्मा टेलीविजन का पॉपुलर फेस बन गई और निया ने कई सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए। 2016 में एक इंटरनेशनल मैगजीन के सर्वे में निया को थर्ड मोस्ट सेक्सीएस्ट एशियन वुमन का भी खिताब मिल चुका था और फिर 2017 में उन्होंने सेकंड मोस्ट सेक्सीएस्ट एशियन वुमन का अवार्ड हासिल किया। दोस्तों हम आपको बता दें कि निया कई बार कंट्रोवर्सीज और ट्रोलिंग का शिकार भी रह चुकी हैं। निया ने टीवी सीरियल के अलावा वेब सीरीज में भी काम किया है। इन्होंने 2017 में विक्रम भट्ट की वेब सीरीज ट्विस्टेड में भी काम किया और इसी साल इन्होंने पॉपुलर स्टैंड बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में भी पार्टिसिपेट किया और वो इस शो की फाइनलिस्ट भी बनी। और 2018 में निया शर्मा वेब सीरीज ट्विस्टेड के सीजन 2 में भी नजर आई और 2018 में निया ने टीवी सीरियल इश्क में मरजमा में काम किया और फिर 2019 में निया शर्मा ने फेमस टीवी सीरियल नागिन 4 में भी काम किया जिसमें इन्होंने वृंदा का किरदार निभाया और फिर 2020 में इन्होंने फिर से फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया। और दोस्तों उसके बाद निया शर्मा बिग बॉस 15 में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आई और अब निया शर्मा झलक दिखला जा सीजन 10 में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और वो झलक दिखला जा सीजन 10 की फेवरेट कंटेस्टेंट बनकर आई हैं। अब देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या कमाल करती हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको निया शर्मा कैसी लगती हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं निया शर्मा के घर के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निया शर्मा का दिल्ली में अपना एक शानदार घर है, लेकिन अभी वो करंटली मुंबई महाराष्ट्र के शानदार अपार्टमेंट में रहती हैं जिसमें हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं इनके घर की कुछ झलक। वहीं बात करें इनकी कार कलेक्शन के बारे में तो इनके पास ओडी Q7 भी है जिसकी प्राइस 78 लाख रुपीस है। इनके पास एक ओडी A4 सीरीज भी है जिसकी प्राइस 45 लाख रुपीस है। इसके अलावा इनके पास एक मर्सिडीज बेंज ई क्लास भी है जिसकी प्राइस 65 लाख रुपीस है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं निया शर्मा की सैलरी के बारे में। निया टीवी सीरियल के एक एपिसोड में काम करने के लिए 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करती है। इसके अलावा इनकी ज्यादातर इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों का नेटवर्थ 50 करोड़ रुपीज है। तो दोस्तों ये थी निया शर्मा की लाइफ स्टाइल वीडियो। दोस्तों अगर आप निया शर्मा के फैन है तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो झलक दिखला जा के कौन से कंटेस्टेंट की लाइफ स्टाइल पे चाहते हैं।